हाँ हेलो मोहसिन। अरे यार घर पे आना यार, बाल काटने। यार क्या पुलिस डंडे मारेगी? अच्छा चल चल ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मत मत। स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। आज दोस्तों आपसे इतनी सारी चीजें बतानी है कि क्या बताओ, टेक न्यूज तो खूब सारी लाया हूं, गर्मा गर्म टेक न्यूज है। लेकिन सैटरडे की जो टेक न्यूज थी दोस्तों, हमने 50,000 से ज्यादा लाइक्स क्रॉस कर दिए, हाफ सेंचुरी कर दिया। मैंने 1,000 से ज्यादा टेक न्यूज दिया, उसमें से वो पहली ऐसी टेक न्यूज थी जिसने 50,000 लाइक्स क्रॉस करी। यानी कि हमारा जो 1,000 स्पेशल वीडियो था उस पर भी उतनी लाइक्स नहीं आई थी जितना आपने सैटरडे को दे दिया, क्योंकि मैंने आपसे मांगा था और आपने जो दिया क्या बजाओ कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मतलब कमाल हो गया। और ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से, इतना दिल में खुशी हुई थी उस दिन, हल्का आंसू आया था लेकिन पी गया मैं। एनीवेज आज भी दोस्तों ऐसे ही प्यार देना। और हाँ दोस्तों, हमने पोल रखा था सैटरडे के दिन, पूछा था कि ये जो बीच में हम हरकतें करते हैं वो करें नहीं करें। पहली बार दोस्तों 76,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से मोर देन 90% लोग बोलते हैं करिए करिए, आपकी हरकतें हमें पसंद आती है। वैसे आज सुबह में हमने वन प्लस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, इंडिया प्राइस रिवील्ड हो गई, आपको तो पता ही है, वो वीडियो जरूर से जाके देखना। उसमें दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि प्राइस अब आपको कैसी लगी है इंडिया की, तो 25,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला और मोर देन 70% लोग बोलते हैं कि हाँ अब थोड़ी हमें अच्छी लगी है। वैसे उसमें एक छोटा सा टाइपो एरर भी था, गलती से मिस्टेक हो गया, उसको माफ कर देना। ट्रोल मत करो यार, ज्यादा विश नहीं करते दोस्तों, बहुत बातें कर लिया, ये हो सकता है कि आज ज्यादा लाड़ में आ गया मैं। एनीवेज फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर TSMC से। TSMC वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने दोस्तों फाइनली 3nm वाले जो प्रोसेसर है इनकी की स्पेक्स यहां पर अनवील्ड कर दिए। जी हां, इस साल दोस्तों पहले तो हमें 5nm वाले प्रोसेसर मिलेंगे, जो कुछ एप्पल के और हुआवे के नए फोन आएंगे उनमें मिलेगा, इस साल के एंड में आएंगे। 3nm तो दूर की बात है। और 7nm वाले प्रोसेसर आजकल हम देख रहे हैं, कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके फोन में अभी भी 7nm वाले प्रोसेसर नहीं है। एनीवेज दोस्तों 3nm की बात करते हैं, पहले तो 5nm और 7nm को कंपेयर कर लें, तो 5nm वाले जो प्रोसेसर है वो 7nm वाले से 10-15% आपको बेटर परफॉर्मेंस देंगे और साथ में 25-30% लेस एनर्जी कंज्यूम करेंगे। 3nm और 5nm को आप कंपेयर करते हैं तो 3nm वाले 5nm से 5% बेटर हो गए परफॉर्मेंस के मामले में, और 10-15% ये लोग जो वो लेस एनर्जी कंज्यूम करेंगे 5nm से, इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वैसे 3nm वाले जो प्रोसेसर होगी इनकी जो डेंसिटी होगी वो 1.7 टाइम्स बेटर होगी अगर हम उनको 5nm वाले से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब दोस्तों 250 मिलियन से ज्यादा इसमें ट्रांजिस्टर्स होंगे, जो बहुत ही ज्यादा है। और ये जो प्रोसेसर है इनका भी मास प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और 2021 में ये अवेलेबल होंगे। पहले 5nm आ जावे हम देख ले, उसके बाद फिर 3nm के सपने देखेंगे। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और एप्पल के जो आईफोन 12 इस साल जो हमें देखने को मिलेंगे, इनके अब कुछ नए स्केच यहां पर निकल कर आ चुके हैं। और ये जॉन प्रोसेसर, उन्होंने इस पर ट्वीट किया था, जो पहले रेंडर्स निकल कर आए थे ना कि इस साल जो आईफोन आएंगे इनमें छोटे नॉच हो गए, तो वो इससे यहां पर काफी मैच कर रहा है। आप देखेंगे इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि नॉच इस बार थोड़ा आपको छोटा मिलेगा। वैसे इसमें वो तमाम सेंसर्स आपको दिख रहे हैं जो प्रीवियसली भी आपको एप्पल के फोन्स में मिल रहे थे, प्रॉक्सिमिटी डॉट फ्लड और साथ में इंफ्रारेड एंबिएंट लाइट वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वो छोटे वाले जो नॉच का जो सेक्शन होगा उसके अंदर वो लोग यहां पर लगा के देंगे, जो पहले भी कर सकते थे। एनीवेज कैसा लग रहा है दोस्तों आईफोन 12, और क्या आप अच्छे से खा पी रहे मजबूत करने के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है और टिकटॉक दोस्तों इंडिया के अंदर इतना मशहूर है कि मैं आपसे क्या बताऊं। और इसकी वजह से नोएडा के अंदर 18 साल के एक लड़के ने सुसाइड कर दिया। अब आप सोच रहे ऐसा क्या है कि टिकटॉक की वजह से उस लड़के ने सुसाइड कर लिया? वैसे अब सुसाइड तो आम हो चुका है, किसी भी कारण आजकल के जो जवान बच्चे वो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनको। एनीवेज अब बात ये दोस्तों कि उस बंदे का जो टिकटॉक था उसका जो आईडी था उस पर बहुत कम लाइक्स और व्यूज आते थे, उस वजह से वो डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। समझे आप, एग्जाम में उसको मार्क्स कम आए थे, उसको जॉब से निकाल दिया गया था, घर में खाने को पैसे नहीं थे, मतलब बहुत सारी तकलीफ थी उसकी लाइफ में और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। क्या रीजन? टिकटॉक पर उसके आईडी पर बहुत कम लाइक्स और कम व्यूज आते थे, उस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे लोगों का क्या किया जाए दोस्तों बताओ? छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपनी जान ले लेते, इतनी इतनी चीजों के लिए, घर में झगड़ा हो गया माँ बाप से सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया सुसाइड कर लिया। सुसाइड तो ऐसा हो गया जैसे हम बाहर जाके क्रिकेट खेलते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जो चाहे वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर
दोस्तों Realme की तरफ से एक बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, Realme Narzo सीरीज, Narzo 10 और 10A जो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले थे, अब उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में सब बता दिया और ये तो होना ही था, मुझे पता था। वैसे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने एक नया नोटिस जारी किया था 19 अप्रैल को, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से जो नॉन एसेंशियल गुड्स थे, स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स वगैरह के जो डिलीवरी हम शुरू करने वाले थे, उसको हमने प्रोहिबिट कर दिया है। मतलब सिर्फ एसेंशियल गुड्स ही डिलीवरी होगी, 20 तारीख के बाद भी नॉन एसेंशियल्स नहीं होंगे। तो जी हां, इस वजह से रियलमी ने अपने लॉन्च डेट को भी पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि लॉन्च नहीं होंगे तो आप फोन परचेस कैसे करेंगे, ये एक बात यहां पर निकल कर आई है। तो अब बात ये दोस्तों कि इस मामले में मुझे रियलमी पर एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है, रियलमी आता है जाता है, रियलमी आता है जाता है, फिर आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, तो काइको आता है और काइको जाता है। वैसे इसी से रिगार्डिंग दोस्तों पोको की तरफ से भी खबर आ रही है। अब आप सोच रहे हैं यार, पोको की न्यूज दे रहा, टाइटल में नाम नहीं डाला, तो मैं थक चुका हूं, थक गया हूं मैं पोको का नाम टाइटल में डाल डाल के, मत पूछना काइको। हाँ, अब बात ये दोस्तों कि पोको वाले ने भी एक नया ट्वीट करके ये बताया कि भाई हम जो स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले थे, जो आज करने वाले थे, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। जी हाँ, बात ये ना दोस्तों कि मैंने आपको पहले भी कहा था सैटरडे के दिन जो वो लोग अनाउंसमेंट करने वाले थे, कोई नया फोन या कुछ नहीं होने वाला है। आप इधर उधर की बात मत सुनिए, जो मैं बोलता हूँ वो सुनिए। वो सिर्फ पोको X2 से रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट होने वाला था, सेल वगैरह के बारे में। अब जब गवर्नमेंट ने सेल बंद कर दिया वापस से, तो वो क्या करेंगे, तो ये उससे काफी मिलता जुलता है ना, तो उसी रीजन से उन्होंने ये बोला हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों रुको, पोको F2 से मैं एक पोर्ट रखना चाहता हूं और सीरियसली आज आपसे पूछना चाहता हूं कि पोको F2 में आपको क्या वाकई में इंटरेस्ट है, नहीं है, जो भी भरा से वो यहां पर पोर्ट रखता हूं, आप मुझे वोट डाल के बताइए। कल मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। यहां पर दोस्तों ऑनर की तरफ से खबर आ रही है और ऑनर का 9X प्रो, पहले उसकी बात करते हैं। मार्च के अंदर दोस्तों ये आने वाला था, ये हो गया है पोस्टपोन और ये शायद मई के अंदर आएगा, जिसमें किरिन 810 वाला प्रोसेसर होगा। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और प्राइस भी दोस्तों इस बार काफी एग्रेसिव होने वाली है, आएगा तब देखेंगे। लेकिन अब दोस्तों ऑनर 10X प्रो, जी हां, इसकी कुछ लीक्स यहां पर आ गई है, इसके फोटो भी आ गए और की स्पेक्स भी यहां पर निकल गई है। ये फोटो देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको सामने बताया जा रहा है सिंगल पंच होल आपको डिस्प्ले मिलेगा और जो डिस्प्ले होगी दोस्तों वो AMOLED डिस्प्ले होगी। वाह क्या बात है। और पीछे ट्रिपल कैमरास आपको मिल रहे हैं, 64 मेगापिक्सल इसमें प्राइमरी होगा और किरिन 820 वाला प्रोसेसर होगा, जो लेटेस्ट है ना 5G वाला, वो होगा, जो भी फिलहाल ऑनर 30S में वगैरह हमें देखने को मिला था। तो ये जो फोन है, की स्पेक्स तो काफी बढ़िया है और फोन भी काफी अच्छा लग रहा है, बस प्राइस क्या होगी वो देखते हैं। वैसे अगर इसी स्पेक्स के साथ में ऑनर 10X प्रो इंडिया में आता है तो आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रही है, नोकिया 9.3 प्योर व्यू, ये उनका जो लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन इस साल में आपको देखने को मिलेगा। मैंने इस पे पहले थोड़ी बहुत लीक्स दिया था कि 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले होगी वगैरह वगैरह। अब दोस्तों नोकिया 9.3 प्योर व्यू में बताया जा रहा है कि आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा जो वो देखने को मिलेगा। सैमसंग उस तरफ मेहनत कर रहा है और इस तरफ नोकिया मजाक कर रहा है, देखिए क्या हो रहा है। मतलब हो सकता है कमर्शियली पहला नोकिया 9.3 हो जाएगा जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलेगा और सैमसंग उसके बाद आके बजिए तलेगा। बात ये दोस्तों कि नोकिया को तो पहले से ही मैंने नोकिया, आपने किया, आप कमेंट किया। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और अकॉर्डिंग टू Xiaomi का इन्होंने ट्वीट किया और जहां पर उन्होंने ऐसा बताया कि Redmi K30 जो चाइना में Redmi K30 बन के गया था, इंडिया में Poco X2 बन के आया है, तो उसका दोस्तों एक लाइटर वर्जन यहां पर आने वाला है। जी हां, Redmi K30i के नाम से आएगा। अब इसमें फर्क ये होगा दोस्तों कि Redmi जो K30 गया था उसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा था, तो इसमें दोस्तों 48 मेगापिक्सल होगा और साथ में शायद इसमें एक आपको MediaTek वाला प्रोसेसर मिल सकता है, MediaTek 800 वाला, जिसकी काफी टाइम से बातें हो रही थी, वो प्रोसेसर इसमें हो सकता है 5G के साथ में। और इसकी जो प्राइस होगी उन्होंने बताया अराउंड 16,000 to 17,000 के आसपास हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये फोन अगर आता है लाइटर वर्जन बनके MediaTek के प्रोसेसर के साथ में, 5G के साथ में, तो इट मेक्स सेंस और शायद दोस्तों हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, चीपेस्ट 5G फोन बनके इंडिया में आ सकता है। वैसे इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, Redmi K30i क्या आप उसके लिए तैयार हैं,
आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे एक मिनट दोस्तों, एक अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, MIUI 12 का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐप यहां पर आया है प्ले स्टोर के अंदर, तो आप इसको इंस्टॉल करिए। अगर आपके पास Xiaomi का फोन है तो आप इसको इंस्टॉल करिए और आपका जो मॉडल नंबर वो सेलेक्ट करिए। कांग्रेचुलेशन आता है तो मतलब शायद आपके फोन में फ्यूचर में MIUI 12 का अपडेट आएगा, क्योंकि आपका फोन एलिजिबल है ऐसा वो यहां पर बता रहा है। इस ऐप को इंस्टॉल करिए और क्या रिजल्ट आता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, आपका लैपटॉप और आपका जो कंप्यूटर होता है उनका जो कीबोर्ड है ना दोस्तों, वो जो टॉयलेट सीट होती है ना, उससे भी 20,000 गुना ज्यादा ना उसमें बैक्टीरिया होता है। टॉयलेट सीट से भी ज्यादा आपके कीबोर्ड पर बैक्टीरिया होता है। और जो स्मार्टफोन है ना, वो टॉयलेट सीट से 9,000 गुना ज्यादा उनमें बैक्टीरिया होता है। ये जो स्मार्टफोन मैंने यहाँ पर रखा है, ये ला इसके ऊपर। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ से मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है आप जरूर से वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना, नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइल।